परम सत्कारयोग साध संगत जी अपने अपने मन बिरते ने काम लिए ते आख लिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी का विशा है पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला दुख मिटिया सब परिवारी। किसी के गुरदे विच पत्थरी हो गई होवे अते डाक्टरां दे कहन मुताबक उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होवे, पर वह पत्थरी बिना ऑपरेशन तो ही निकल जावे अते मरीज नूं पता भी ना लगे यह किस तरह होया है। यह एक संभव जिही गल है, पर असंभव नूं संभव करन विखाउणा उस अकाल पुरख सतगुरु जगजीत सिंह जी का ही काम है। श्री भैणी साहब रहन वाले संत बलबीर सिंह जी कोई 1991-92 दे नेड़े दी एक वार्ता इस तरह दसदे हन। उन्हां दी माता जी नूं वक्खी विच बड़ी दर्द सी। संतां ने सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच अर्ज कीती कि माता जी नूं बड़ी तकलीफ है। हुक्म होया कि माता जी माता नूं दीपक हस्पताल लै जाओ। हस्पताल लै गए तां डाक्टरां ने एक्सरे वगैरह करके दस्या कि इन्हां दे गुरदे विच पत्थरी है। इसका इलाज ऑपरेशन नाल ही हो सकता है, पर माता जी ने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराना। बलबीर सिंह जी सच्चे पातशाह जी के दर्शन करन आए तो सच्चे पातशाह जी ने पूछा कि डॉक्टर की आखदा है। उन्होंने अर्ज की कि एक्सरे विच उन्होंने गुरदे विच पत्थरी निकली है। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि चंगा होया पत्थरी निकल गई है। बस इस बचन तो बाद उन्हां दी माता जी नूं वक्खी दी पीड़ फिर कदे ना होई। सच्चे पातशाह जी दे बचन करन नाल ही चंगा होया, पत्थरी निकल गई है, पत्थरी निकल गई। धन हां सतगुर सच्चे पातशाह सतगुर जगजीत सिंह जी, साडी उन्हां दे चरणा ते अनेकां वारी नमस्कार है। वाह चोजिया तेरे चोज निराले। सत श्री अकाल।